जय हिंद। आज का क्लास के लिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे राजधानी फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पर। जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी, और साथ ही साथ आप लोग जो ऑफलाइन सेंटर पर हमारे साथ जो पढ़ रहे हैं ना, आप लोग जो है अभी पढ़ रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग इंग्लिश में करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक फॉर्मूला आप लोग को प्रतिदिन बता रहे, दो तीन दिन से जो चैप्टर चल रहा है, टीएन बराबर है ना, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग को समझिए कि एंटीबायोटिक है, ये आपको बहुत जगह काम देगा। साथ ही साथ इस फॉर्मूला से डायरेक्ट जो है हूबहू आपको प्रश्न पूछ सकता है, समझ रहे ना। इसलिए हमेशा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आज का सेशन को शुरुआत करने से पहले आज आप लोग को एक हिसाब दिए थे बनाने के लिए। देखिए हिसाब दिए थे कि एक एपी में 50 पद है, कितना पद है? 50 पद है। इसका मतलब T15 50 पद मतलब लास्ट वाला पद। तो 50 पद है जो अंतिम पद, उसको कह सकते हैं कितना दिया हुआ, 106 दिया हुआ। बोल सर ऐसे कैसे हो गया? अरे 50 पद है, इसका मतलब अंतिम पद 50 होगा, 50वां पद अंतिम होगा। तो 50वां पद अंतिम होगा और अंतिम पद तो कितना दिया हुआ है, 106। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि चूंकि ए प्लस 49d बराबर 106, ऐसा चर्चा हम कल किए थे कि यहाँ 49d कैसे हो जाता है, क्योंकि n माइनस 1 होता है तो 50 में से एक घटता है, 49 होता है। क्या समझ में आया? इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, एक। और कह रहा है तीसरा पद 12 है, यानी कि T3 बराबर 12, या कह सकते हैं ए प्लस 2D बराबर 12। और कल हम इस तरह के समीकरण आप लोग को लास्ट में बताए थे एक हिसाब, कुछ अगर याद होगा तो सोचिए कि कल हम इस तरह का समीकरण बताए थे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है। तो जब हम 1 और 2 को हल करते हैं तो देखिएगा ये जो हो गया आपको घटाना पड़ जाएगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, ये है दोनों प्लस में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो यहाँ माइनस 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 कट गया, ये कितना बची गया, 47d बराबर 94, यानी कि डी बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। डी बराबर कितना हो गया, दिख रहा है ना 2, चलिए डी बराबर 2 हो गया। अब यहाँ से कह सकते हैं कि डी का मान अगर हम रखेंगे तो ये का मान प्राप्त हो जाएगा, न प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से कहेंगे ए प्लस 2d बराबर 12, ए प्लस 2d बराबर कितना हो गया 12, और डी का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ से कह सकते हैं ए प्लस 2 × 2 बराबर 12, यानी कि ए बराबर 12 − 4, तो ए बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। दीपक कुमार प्रथम पद ए बराबर, डी बराबर सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। अब कह रहा है 29वां पद ज्ञात करें, तो निकाल सकते हैं T29 बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का मान 8 प्लस 29 में से एक गया 28, और डी का मान 2। बोलो समझ में आया ना हो जाएगा? तो यहाँ से कह सकते हैं 8 प्लस 56 कितना हो गया, 64। T29 का मान कितना निकल गया, 64। सबसे पहले जो दिया हुआ रहेगा वहां से समीकरण का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ से समीकरण 1 बन गया, 2 बन गया, दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, क्योंकि इसके पहले हम पढ़े हैं रैखिक समीकरण। क्या पढ़े हैं? रैखिक समीकरण हम लोग पढ़े हैं, तो वहां से हम लोग जो है बना सकते हैं, है ना, वहां से हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। और समीकरण बनने के बाद जो है हम लोग पढ़े होंगे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वर्ग गुणन विधि, जैसे आपको इच्छा है उस विधि से आप ए और डी का मान ज्ञात कर लीजिए। समझ में आया? चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए अगला हिसाब ध्यान दीजिएगा। देखो रे, एपी का 7वां पद कितना दिया हुआ है, T7 बराबर -4। तो लिख सकते हैं ए प्लस 6d बराबर -4, लिख सकते हैं, नहीं देख रहा, इधर देख रहा है, हरे राम, गुड। अब देखो पुनः क्या कह रहा है, 13वां पद -16 है, यानी कि ए प्लस 12d बराबर -16। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया, बोलो बना कि नहीं। ए प्लस 6d कहाँ से आया सर, चूंकि tn बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुने डी, ए प्लस n का मान 7, 7 में से एक गया 6 आई डी, ए प्लस 6d बना।
चलिए अब देखिए समीकरण एक को और दो को, यानी एक और दो को हल करने पर, है ना। तब एक और दो को जब हम हल करेंगे, कौन खुशी में हंस रहा, एक और दो को जब हल करेंगे तो a प्लस सिक्स डी बराबर माइनस चार, ए प्लस बारह डी बराबर माइनस सोलह। अब देखिए यहाँ पर दोनों प्लस में हैं, इसमें भी दोनों प्लस में है, मतलब हम लिख देंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। जब हम घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह में गलती ना हो। ये अब कट गया, बारह माइनस में छः प्लस में तो बचेगा माइनस में, जो बड़ा रहेगा चिन्ह उसी का लेंगे, तो बारह में से छः गया तो छः डी। यहाँ देखो ये प्लस में और ये माइनस में, यानी आंसर जो हमारा मिलेगा वो प्लस में मिलेगा, यानी कि प्लस का कितना हो गया बारह। तो हम क्या कह सकते हैं कि डी बराबर माइनस का बारह बटे के छः, क्योंकि माइनस जो हमेशा अंश में होता है, तो छः दुनी के कितना हो गया बारह, यानी डी का मान कितना आ गया माइनस दो। डी का मान कितना आ गया माइनस दो आ गया। अब देखिए यहाँ से हम निकाल लेंगे कि ए प्लस सिक्स डी बराबर माइनस चार है, और यहाँ पर डी का मान माइनस दो है, तो अगर हम माइनस दो को रखेंगे तो ए माइनस बारह माइनस चार, तो ए बराबर कितना हो गया माइनस चार, इधर आएगा तो प्लस का बारह, जो भी रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा क्योंकि बड़ा वाला प्लस में है, तो ए बराबर हो जाएगा आठ। अब यहाँ से हमको पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पर आते हैं, पूछ रहा है एपी ज्ञात करना है। जब भी कभी एपी ज्ञात करना, इसका मतलब है कि पहले नंबर तो पहला पद लिख देंगे और जितना का डिफरेंस होगा, मतलब माइनस दो, यानी हमेशा वो माइनस दो कम होते जाएगा, यानी कह सकते हैं छः हो जाएगा, ये चार हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस दो हो जाएगा, इसी तरह से सीरीज चलता रहेगा। और ये हमारा किस चीज़ में हो गया, एपी में हो गया। क्या चीज़ में हो गया, एपी में हो गया। आया समझ में? तो इस तरह का हिसाब एकदम बिल्कुल आराम से बना लेना, चौदह नंबर हिसाब क्लियर। और है इस टाइप का हिसाब और बचा हुआ इसमें, चौदह के बाद पंद्रह बनाया है, आठवां पद सैंतीस है, बारहवां पद संतावन बना लिया ने। चलिए सत्रह नंबर अब चलेंगे ना, कैवा नंबर देखिए अब सत्रह बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले। देखो क्वेश्चन इसमें क्या किया है, कह रहा है n के किस मान के लिए निम्नलिखित दो ap का n-वां पद समान हो, n-वां पद समान यानी दोनों में कौन सा ऐसा पद होगा जो समान होगा, ठीक है। एगो एन से बढ़ल जा रहा है, एगो एन से कुछ हो रहा घटल जा रहा, तो कोई तो ऐसा पद होगा जो मिलेगा, क्योंकि वैसा वो बैठा के देवे किया होगा कि वैसा वो दिया होगा कि कैमा पद उस समान होगा, वही निकालना है पहले, ठीक है। अब कह रहा है इस एपी का मान भी ज्ञात करें, क्या निकालना है आए मान ज्ञात करें, यानी जो एमा पद समान होगा फिर उसका मान भी निकालना है। जैसे पचवा पद समान हो गया तो पचवा टी फाइव निकाल लेना, चौथा पद समान होगा तो चौथा, दसवां पद समान, यानी अभी तो पता नहीं कि कैमा पद समान होगा लेकिन समान होगा, ये खुद कह दिया है कि कैमा पद समान होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं पहले से, माना कि पहला एपी, पहला एपी तेरह उन्नीस पच्चीस डॉट 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 इसी ने है, तो इससे हम निकाल लेंगे ए बराबर तेरह नहीं बोलता है, ए बराबर कितना हो जाएगा और डी बराबर हो जाएगा टी टू माइनस टी वन, मतलब उन्नीस में से तेरह चल जाएगा, कितना बचेगा छः बचेगा, समझ में आ गया ने। तो यहाँ से दो चीज़ हमको मिल गया, ए और डी मिल गया, तो चूंकि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टी एन बराबर आराम से कैसे समझेगा, देखो यहाँ सब ए का मान कितना हो गया तेरह और प्लस एन माइनस वन पता नहीं है आए छोड़ दो, तो टी एन माइनस वन अब गुने डी का मान कितना हो जाएगा छो, इसको हल कर लेंगे तो टी एन बराबर तेरह प्लस सिक्स एन माइनस सिक्स, तो टी एन बराबर तेरह में से छ गया सात प्लस छ एन, इसको अभी ऐसी रहने दो, ठीक है। यहाँ तक हो गया टी एन बराबर सात प्लस छ एन, अब बोलो यहाँ तक अभी समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो हम इसी को फिर से समझाएंगे, बोलो सचिन तेंदुलकर। तेरह उन्नीस पच्चीस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ से देखो माना कि एपी, इसको मान लिया पहला एपी, इसको मान लेंगे दूसरा एपी, जैसे इधर देखो ना, देखो इधर मान लेंगे माना कि दूसरा एपी, दूसरा एपी क्या हो जाएगा उनहत्तर अड़सठ सड़सठ, तो इसी पता चल रहा है एकक के अंदर है ना। तो देखो पहला एपी मान लिए थे
तो पहला एपी में प्रथम पद सार बनता, दो चीज दिया हुआ है, तो दो चीज जब दिया हुआ है तो इससे क्या निकल जाएगा, टी एन के फॉर्मूला पर जहां तक जो जो दे ले वो तो हमको बैठा सकते हैं, तो बैठाएं तो हमको दो चीज प्राप्त हुआ, एगो डी प्राप्त हुआ, एगो ए प्राप्त हुआ, दो चीज अभी अननोन है, एगो टी एन अननोन है, एगो एन अननोन है, है ना, तो दो चीज अननोन है तो इसको समीकरण के रूप में बैठा दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए क्या हो गया, यहाँ से फिर से चलेंगे टी एन बराबर, ऐसे तो लिख देंगे डायरेक्ट टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि ए का मान 69 और एन का मान तो नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, और डी का मान कितना है 1, हाँ 1 माइनस में होगा, क्या में होगा माइनस में, क्योंकि घटते जा रहा है, कैसे जा रहा है घटते जा रहा है, देखिए 69 69 के बाद 68 68 के बाद 67, समझ आ रहा संगीता, अब यहाँ से देखो यहाँ से हो जाएगा क्या, टी एन बराबर 69 में से 1 गया कितना बचेगा, नहीं पहले नहीं बचेगा, पहले गुना करेंगे ना, तो ये माइनस एन हो गया, अब माइनस माइनस प्लस हुआ, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, एक से गुना करेंगे माइनस में तो माइनस एन, माइनस माइनस प्लस वन, तो 69 और 1 70, तो यहाँ से कह सकते हैं कि टी एन बराबर 70 माइनस एन, इस समीकरण क्या हो गया 2, और दोनों जब समान कह रहा है कि कैमा पद समान होगा यानी एनवा पद समान होगा, तो दोनों टी एन बराबर टी एन होगा, चूंकि टी एन बराबर क्या होगा टी एन, ये किससे कह रहा है प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से, ठीक है, दोनों का समान होगा एनवा पद, तो एनवा पद समान करने के लिए दोनों को हम बराबर करेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 7 + 6 एन अब बराबर 70 - एन, बोलो दोनों का पद समान है, समान कर दिए, अब यहाँ से हम एन को एक तरफ करेंगे तो 6 एन, एन एस आएगा तब प्लस एन, यहाँ जाएगा 70 - 7, ठीक है, तो 6 एन में 1 एन जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 7 एन बराबर कितना हो जाएगा 63, तो यह कह सकते हैं कि एन का मान 63/7 यानी 9, तो कह सकते हैं कि नौवा जो पद होगा वो क्या होगा समान होगा, नौवा पद क्या होगा समान, मनीषा नींद आ रहा है कि, तो नौवा पद समान होगा, अब कह रहे हैं नौवा पद समान होगा तो नौवा पद का मान भी ज्ञात करें, तो नौवा पद का जब मान ज्ञात करेंगे, यहाँ दिख रहा है रे, यहाँ इतना दूर तक दिख रहा है, यहाँ तक, चलिए अच्छा बात है, अब देखिए हम निकाल लेंगे टी नाइन बराबर ए प्लस 8D होगा, नहीं बोलता है ए प्लस 8D होगा, नहीं बस हो गया, ए का मान निकाल लो यहाँ से, पहले ए का मान किसी से ले लो ना, एगो से इसका अंतर से लेगा तो इसका, इसका अंतर से लेगा तो इससे अंतर से ले लो, अगर इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, कहने गया ए का मान 13, तो 13 + 8 और डी का मान कितना हो गया है 6, तो कितना हो जाएगा 13 + 48 कितना हो जाएगा 8 × 3 = 11 + 5 = 6 = 61, यही हो गया, कितना हो गया 61, इससे निकालेंगे तो 69 और कितना हो जाएगा एक, इसका घटेगा नहीं, 9 + 9 घट जाएगा हो जाएगा, इससे लो चाहे इससे लो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इससे लेंगे तो डी का मान नहीं चेंज हो जाएगा, -1 आ जाएगा और ए का मान 69 हो जाएगा, ठीक है, तो किसी एक से लेके बना सकते हैं, ठीक है, आया समझ में, तो पहले क्या किए, पहले क्या किए, पहला एपी से मान निकाल लिए, फिर क्या किए दूसरा एपी से मान निकाल लिए, उसके बाद दोनों को बराबर कर दिए, दोनों क्या किए बराबर कर दिए, तो एन का मान निकल गया, अब एन का मान निकल गया तो जितना निकला वही टी नाइन निकला, नौवा पद बराबर है तो नौवा पद का मान निकाल दिए, ठीक है, बहुत ही मजेदार हिसाब था, नोट कीजिए दीपक बढ़िया समझो, तो अगला हिसाब बहुत मजेदार है, 18:1 में कहता है खाली स्थानों को भरे यानी लुप्त पदों को ज्ञात करें, लुप्त पदों को ज्ञात करें, ध्यान से समझिएगा चंदन भैया, ध्यान समझो, देखो पहला पद कितना दे ले 5 यानी a बराबर 5, दूसरा पद होता है a प्लस डी, दूसरा पद क्या होता है इसको a कहते हैं, इसको a प्लस डी कहते हैं, इसको a प्लस 2D कहते हैं, और इसको कहते हैं a प्लस 3D, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो उतना गिनते रहेंगे ढेर रहेगा तो सर जरूरत नहीं, जितना रहेगा जरूरत उतना गिनेंगे, मतलब यदि छोटा था तो गिन के बता दिए, अरे समझ में, अब देखिए सर दिया क्या क्या है, तो ए बराबर क्या दिया हुआ है 5 दिया है, दिया है, और ए प्लस 3D बराबर कितना दिया हुआ है 9.5, तो लिख दें 19/2, आए कितना लिख दिए, क्या आप समझ में आ गया, ए का मान रखने पर, ए का मान रख देते हैं आए, तो यहाँ 5 + 3D = 19.5, तो 3D = 19/2 और माइनस में 5/2 कितना हो गया 1, तो 2 हो गया, कितना हो गया 2, अरे 19 - 10 = कितना हो गया 9/2 यानी 4.5, तो
कितना मान, किसका मान निकल गया? 3D का। अभी 3D का मान निकला, तभी 3D निकला, रुक जाओ। तो 3D बराबर कितना हो गया? 9/2। तो 3 × 9, तो D का मान कितना हो गया? 3/2। तो D का मान निकल गया। आए जब देखिए ऐसे भी गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, तो T4 बराबर पता होगा अगर दे ले 19/2, तो T4 के अभी लिखल सिखाए तो प्लस 3D लिखाएगा। आए कोई बात नहीं, तो ऐसे भी काउंट करके भी लिख सकता है, वैसे भी लिखो 1, 2, 3, 4, T4 बराबर 19/2, तो ये प्लस 3D। बोलो समझ में आया? चलिए अब यहां से हम कह सकते हैं कि A का मान हमको पता है, D का मान पता है, तो निकालना A प्लस D क्या निकालना है? तो A प्लस D, A का मान 5 और D का मान 3/2, 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 13/2, यहां भर दे 13/2। आए या तो फिर ऐसे रह दो 6.5, तो यहाँ 6.5 हो गया। क्या समझ में आया? अब निकालना ए प्लस 2D, ए प्लस 2D, ए प्लस 2D निकालना, तो ए के मान बोलो कितना है? 5, और 2 अगुने D का मान 3/2, 2 से 2 कट गया, तो 5 + 3 कितना हो गया? 8। तो यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 6.5, यहाँ 8, यहाँ 9.5। बोलो समझ में आया? डेढ़ डेढ़ हमेशा बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? डेढ़ और डेढ़ बढ़ रहा है, ठीक है, समझ में आया? तो इसमें सबसे पहले क्या करना, कहाँ खाली स्थान है उसको देख लीजिएगा, जौन पद डेल रहेगा दुगो उसको देखिएगा, ठीक है। देखिए ना गाइस, और बताते हैं, समझ में आएगा, नोट कीजिए। चलिए ध्यान से दीजिए कि अगला हिसाब सेम टाइप का हिसाब है, किताब गिर गया जी। देखो इस टाइप के हिसाब था, अब देखो मान लिया जाए एक दो हिसाब और हम समझा देते हैं इस टाइप के, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए क्या कहता है, यहाँ 54 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 54, और यहाँ खाली स्थान, यहाँ खाली स्थान, यहाँ 42, बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए हमारे साथ आप लोग भी देख ले जाइए बनता है कि नहीं। ये देखिए प्रथम पद ये हो गया 54, और 1, 2, 3, 4 चौथा पद यानी T4 बराबर कितना दे दिया? 42 दे दिया। ये दोनों दिया हुआ है, पहले जो दिया है उसी को लिख देंगे, दिया है, ठीक है। ये बराबर 54, ये बराबर 54, और चौथा पद दिया हुआ है, कितना पद दिया हुआ है? चौथा पद दिया हुआ है, तो चौथा पद दिया हुआ है 42। अब देखिए T4 को लिख सकते हैं ए प्लस 3D, तो ए प्लस 3D बराबर कितना? 42। तो ये का मान रख देंगे 54, कितना रख देंगे? 54 + 3D बराबर 42, तो 3D बराबर 42 − 54, तो यह कह सकते हैं 3D बराबर कितना हो जाएगा? 12, आए हो जाएगा ना, तो D बराबर −12/3 यानी कि −4। अब निकाल लीजिए कैमा पद निकालना, दूसरा पद निकालना है, तो इसलिए A प्लस D, कैमा पद निकालना है, तीसरा पद A प्लस 2D नहीं निकल जाएगा, अब छोड़ दें। आए जल्दी निकालो, फटाफट करो। ए शिशुपाल यहाँ देखो, तीसरा नंबर बन जाएगा, चौथा नंबर देखो, चौथा में देखो एक डिब्बा पहले खाली है, 13 है, ये खाली डिब्बा है, ये कितना है? 3 है, ये नहीं है। देखो सचिन, पहला के तो मानते थे ये, और दूसरा के मानेंगे तो T2 बराबर कितना हो जाएगा? 13। T2 बराबर तो ए प्लस डी हो गया, ए प्लस डी बराबर कितना? 13। और दूसरा का है T4 देल है, T4 बराबर 3 यानी ए प्लस 3D बराबर 3, समीकरण नंबर 2, समझ में आया? अब समीकरण 1 और 2 पहले जैसे कर, पहले हल नहीं कर सिखा रहे थे, वही हो गया समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। 1 और 2 से हल कर लेंगे, ए प्लस डी बराबर 13 और ए प्लस 3D बराबर 3 हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा। हाँ ये कितना हो गया? −2D बराबर 10, तो D बराबर कितना हो गया? −5, −5 हो गया, तो किसका मान निकला? −5, डी के, तो ए का मान निकाल लें, तो ए प्लस डी बराबर 13 ये हो गया जी। आए तो ए का मान निकल जाएगा, डी का मान हो जाएगा प्लस और −5 और बराबर 13, तो यह लिख सकते हैं ए −5 बराबर 13 होगा ने, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ए बराबर 13 और इधर आएगा तो +5, तो 18 हो गया, यानी कह सकते हैं यहाँ पर 18 हो गया। आए 1, 2, 3 आए ये निकल जाएगा कुछ ही, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 2D, 2D हो जाएगा। आए ए प्लस 2D, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो T3 निकालना है,
तो T3 जब निकालेंगे तो T3 बराबर प्लस 2D, तो A का मान कितना हो गया 18, और 2D D का मान -5, तो 15 × 10, तो -10 होगा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 18 - 10 कितना हो जाएगा, हैं 8, कितना हो जाएगा 8। तो यानी कह सकते हैं यहाँ पर हो गया कितना 18, यहाँ पर 13, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3, 5 के अंतर में हो गया ने, हैं। तो यही आपको है कि अगर जो है आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स वाला दे दे कि खाली पदों को भरें, तो इसी तरह से बनाना है, समझ गए। मेहनत करते रहिए, ध्यान से समझिए, और जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा, समझ गए ना। चलिए उतारिए, चलो ध्यान दो। अगला हिसाब क्या कहता है, यदि AP का दसवां पद 12 है, 52 है, कितना है, दसवां पद 52 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि T10 बराबर 52, ठीक है। AP का दसवां पद 52 है, यानी T10 बराबर 52, और 17वां पद 13वें पद से 20 ज्यादा है। 17वां पद 13वें पद से 20 ज्यादा है, तो 20 इसमें जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा, है रख दो, इंतजार करो थोड़ा देरी। दसवां पद 52 है, दसवां पद कितना है 52, और 17वां पद जो है ना 13वां पद से 20 ज्यादा है ही, तो इसमें जोड़ेंगे तभी दोनों दिन बराबर होगा, क्योंकि समीकरण में संतुलन करना होगा, 20 ज्यादा है ही, तो 20 इसमें जोड़ दो, दोनों दिन बराबर हो जाएगा, समझ में आया, आया। अब इसको हम कह सकते हैं कि T10 बराबर, यानी n में 10 दे ले, n कितना दे ले, तो इसे हम लिख सकते हैं A+9D, आए नहीं बोलता है, अब बराबर कितना, समीकरण नंबर इधर से क्या लिख सकते हैं, A+16D और A+12D और बराबर प्लस, बोलो ये लाइन समझ में आया, 17 को लिख सकते हैं A+16D, और T13 को A+12D, और प्लस में 20 है, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे काट दें कि नहीं आएगा समझ में, अरे इधर आएगा तो माइनस में होगा, 16, 12 है माइनस होगा तो कितना बचेगा, वाह ये तो आसान था बिल्कुल जी, तो सोचे ज्यादा आसान था, सोचने ज्यादा नहीं आसान था, तो जब D का मान निकल गया हमको क्या करना है, AP याद करना है ना, ये ले लो एक याद कर लेते हैं, यहाँ से D का मान समीकरण एक माने थे, अगर इसको हम तो एक में रख दो, क्या आसान है ना, उतारना कैसे है सर, हम तो बना दिए जैसे तैसे, सीरियल वाइज में उतारिएगा आप लोग, देखिए कैसे उतारिएगा, यहाँ से पहले नोट कीजिएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से आइएगा यहाँ तक नोट कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ जो लिख रहे हैं उसको यहाँ के बाद लिखिएगा, ठीक है। तो समीकरण एक में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, जब हम D का मान रखेंगे तो क्या यहाँ पर ये यह हो जाएगा, समीकरण लिख देंगे तो A+9×5 45 डायरेक्ट लिख दे, बोलो दिक्कत, 5 है ना, 45 को उधर ले जाके हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हम कह सकते यार, यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि A बराबर हो जाएगा 52 - 45, तो A बराबर कितना हो गया 7, जब हमको A पता है और D पता है तो AP तो साफ हो गया, नहीं निकल जाएगा, अरे AP पत नहीं निकल जाएगा, 7 है जी, 5 का डिफरेंस में लिखो, 7 5 12 5 17 5 22 5 27 5 32 5, डॉट AP में हो गया, आया समझ में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वो कह रहा है उसको ध्यान समझो, AP का दसवां पद 52 है, 17वां पद 13वां पद से 20 ज्यादा है, 13वां पद से 20 ज्यादा है, कौन पद, 17वां पद, बोलो समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, बन जाएगा यहाँ इस तरह से जो भी पैटर्न बनता है ना, उसको ध्यान से देखिएगा तभी आप आगे, और इसको जो बना हिसाब है उसी को बनाइए बार बार, जो बना हुआ रहता है उसी को एक दो बार आप बनाइएगा तभी समझ में आएगा। साहुल कुमार नींद आ रहा है, नोट कीजिए, चलो ध्यान दो, क्या कह रहा है, AP 3 15 27 39 का कौन पद इसके 54वें पद से
132 अधिक होगा। देखो एगो एपी में दे दिया है, एक एपी दिया हुआ है जी, क्या क्या दिया हुआ है, 3, 15, 27, 39 है ना, 3, 15, 27, 39 यहाँ से ए निकल जाएगा और डी निकल जाएगा, दो चीज तो निकल जाएगा। जैसे अगर हम एपी लिखते हैं, एपी क्या दिया हुआ है, 3, 15, 27, 39 दिया हुआ है ना, और डॉट 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 डॉट। तो ये एपी से हमको इतना तो पता चल रहा है कि ए का मान 3 और डी का मान हो जाएगा T2 - T1 बराबर 15 - 3 क्या हो जाएगा 12। दूसरी पता होगा। अब देखिए क्वेश्चन कुछ अजीब से पूछा है, कह रहा है इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, 54वां पद से। तो पहले हमको 54वां पद तो पता होना चाहिए, यानी एन का मान कितना 54, ठीक है। तो आप टी एन बराबर निकालेंगे a+(n-1)(d), तो ए का मान कितना 3+54-1 और गुने कितना 12, इसी को गुना करिए 3+53 * 12 गुना कर दीजिए, 12 + 36 = 6 बाकी 3 + 12 = 60 + 3 = 63 और +3 मतलब हो गया 639। सुनिए बढ़िया से, भी यहाँ क्वेश्चन कह रहा था कि 3, 15, 27, 39 में कौन पद इसके 54वां पद से 132 अधिक होगा। तो पहले 54वां पद कौन है, ओकर बाद 132 को ज्यादा करेंगे। तो पहले हम 154 निकालेंगे, 54वां पद निकालेंगे। तो जब हम यहाँ पर निकाले 54वां पद, कितना पद निकल गया 54वां पद निकल गया, तो 54वां पद निकल गया 639। अब कह रहा है कि जो 54वां पद होगा इससे कितना ज्यादा होना चाहिए, 132 अधिक होगा, कौन पद तो बाद में निकालेंगे। अब इसका 54वां पद, तो T54 का मान कितना है 639 और इसका 132 ज्यादा, तो 9 × 2 = 11 और 3 × 3 = 6 = 7 और यहाँ से क्या हो गया 7, ये 771 हो गया है ना, तो ये 771 हो गया। अब कह रहा है कि कौन पद तो माना कि, अब लिखेंगे पुनः माना कि यनवा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है, लैंग्वेज वाला हिसाब है, बढ़िया से लिखना पड़ेगा। तो मान लिए एनवा पद, तो यहाँ से लिख देंगे फिर से, चूंकि टी एन बराबर a+(n-1)(d) और यहाँ टी वन का मान 771 दिया हुआ है और a का मान कितना है 3 और n का मान निकालना है और d का मान कितना है 12। समझ में आ गया, अब इसको हल कर लेंगे हम लोग। तो 771 बराबर 3+12n-12 यहाँ देखो, इधर उधर ध्यान नहीं भटको, 771 बराबर यहाँ से जाएगा 12n-9, ठीक है, होगा ना, 12 में से 3 गया तो 9, अब 9 इन्हें आके जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 780 अब बराबर 12n, यानी कह सकते हैं n बराबर 780/12, 12 × 6 = 72 अब 12 × 5 = 60 यानी कि 65वां पद, इसलिए कह सकते हैं कि 65वां पद जो होगा वो इसका 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। पहले क्या करना है कि कह रहा है कि एपी में कौन पद 54वां पद से, तो 54वां पद पहले कितना वो तो निकाल लेंगे, तो 54वां पद पहले जब हम निकालें तो आ गया 639। अब कह रहा है 54वां पद जो है इसका 132 ज्यादा होगा, तो 132 जोड़ के हम 771 के बराबर कर लेंगे और यही टी एन यही हो गया इसके लिए, तो इसके लिए टी एन हो गया, तो इसका एन निकाल लेंगे, वही कैमा पद हो जाएगा, ठीक है, आए समझ में। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, आप लोग जो है आगे इसी तरह से जो जितना बताएं उसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर से हम अगले क्लास में आपको हम बताएंगे, ठीक है। अपने मेहनत को, तैयारी को मस्त रखिए, तैयारी को बेहतरीन और करते जाइए, क्योंकि समय धीरे धीरे पार हो रहा है और अगर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, आज के लिए इतना।